स्टूडेंट्स अब ये देखो कन्वर्सन, देखो कन्वर्सन क्या है, इथानॉल टू मिथानॉल्स। अब इथानॉल से हमको क्या करना होगा, मिथानॉल में कन्वर्ट होगा। इथानॉल बोले तो स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 OH, और मिथानॉल होगा तो क्या होगा, ये CH2 पार्ट नहीं होगा, CH3 OH। मतलब इस ग्रुप्स को इसको रिमूव करना होगा, मतलब इस कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इसको रिएक्शन करके हमको क्या करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप रिएक्शंस याद करना होगा। जब एक रिएक्शंस हमने जो एमाइंस के लिए रिएक्शंस किया था, जो एमाइंस में क्या होता है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस होते हैं, होफमैन ब्रोमाइड्स में एक क्या होता है, कार्बन्स रिमूव होते हैं। सो होफमैन ब्रोमाइड्स के लिए तो अब क्या करना होगा, इसको एमाइंस में कन्वर्ट करना होगा। एमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको इसको ऑक्सीडेशन करना होगा। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, मतलब इसको ऑक्सीडेशन किया। सो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा, अब ये CH3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होगा। CH2 ग्रुप या H2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, क्या फॉर्म होगा, COOH। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो गए तो इसको हम क्या करेंगे, NH3 एमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये एमोनियम एक कार्बोक्सिलेट फॉर्मेशन होगा, मतलब एमोनियम इथानॉइड फॉर्मेशन होगा, C(ONH4+) ये एक एमोनियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, एमोनियम इथानॉइड भी बोल सकते हैं। अब एमोनियम इथानॉइड से क्या होगा, ग्रुप से क्या जनरेट होगा, हिट करने से एमाइड जनरेट होगा। सो हिट करने से क्या होगा, CH3 NH2 ग्रुप, मतलब इससे क्या जनरेट हो गया, एक ऑक्सीजन, और हिट करने से हाइड्रोजन दो मिलके वाटर रिमूव हो गया, और रिमूव हो गया ये इथेनामाइड फॉर्मेशन हो गया। अब इथेनामाइड्स को क्या करना होगा, जो इथेनामाइड्स हैं, इथेनामाइड्स के साथ हम रिएक्शंस करेंगे तो कि अगर होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस करेंगे, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेंगे, अब होफमैन ब्रोमाइड्स रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रोमीन के प्रेजेंस में KOH देना होगा। रिएक्शंस क्या होगा, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस होगा। ये होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस में क्या होता है, ये CO पार्ट रिमूव होते हैं, ये CO पार्ट रिमूव होके CH3 NH2, अब ये एमाइन में कन्वर्ट हो गया, मिथेनामाइंस। अब इसके साथ नाइट्रस एसिड रिएक्शंस करने से क्या होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 OH। अब CH3 OH ही क्या है, मिथानॉल। अब ये इथानॉल से मिथानॉल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इथानॉल टू मिथानॉल।